प्यारे बच्चों, आज जैसी पाठ 9 भोजन पकाइए अते खाइए दे पन्ना नंबर 54 अते 55 विच्चों खाना पकाउण दे ढंग बारे पढ़ांगे। गुरजोत आखदा है, मामा जी, एक बच्चे ने दसिया कि उसदे माता जी खाना भाफ नाल पकाउंदे हन। की सानू भोजन नू पका के ही खाना चाहिदा है? मामा जी कहंदे हन, पुराने समय विच मनुख कच्चा भोजन ही खांदा सी। अग दी खोज तों बाद उसने भोजन पका के खाना शुरू कर दिता। पकाउण नाल भोजन स्वाद अते जल्दी पचण योग हो जांदा है। गल्लां करदे होए बच्चे मामा जी नाल बाजार चले गए। बाजार विच उन्हां ने खाण पीण वालियां वख-वख दुकानां देखियां। मामा जी ने भोजन पकाउण दे ढंगां अते बर्तनां बारे जानकारी दित्ती। बच्चियो, भोजन पकाउण दा पहला ढंग है उबालना। चाह, कॉफी, चावल, दालां, सब्जियां, कढ़ी, मीट आदि भोजन नूं उबाल के बनाया जांदा है। बच्चियो, तुहाडे माता जी भी उबाल के ये सब भोजन पदार्थ पकाउंदे होणगे। तुसी जानदे हो, उबालण लई कड़ाही जां पतीले दी वरतों कीती जांदी है। उबालण नाल भोजन विचले कीटाणु खत्म हो जांदे हन। बच्चो, भोजन पकाउण दा दूसरा ढंग है भाफ द्वारा पकाउणा। इस विधि विच भोजन नूं भाफ कुकर जां प्रेशर कुकर राहीं भाफ दी मदद नाल पकाया जांदा है। बच्चो, तुहाडे माता जी भी प्रेशर कुकर दी वरतों रोज़ ही करदे होणगे। की तुहानूं पता है भाफ द्वारा कीड़े-कीड़े भोजन पदार्थ पकाए जांदे हन? शाबाश, भाफ द्वारा कई भोजन पदार्थ पकाए जांदे हन, जिवें चावल, इडली, ढोकला अते मोमोस। अते हुण है घर दे काम दी बारी। घर दे काम लई तुहाडा पहला प्रश्न है, चावल नूं पकाउण दियां कोई दो विधियां लिखो। अते दूसरा प्रश्न है, भोजन नूं उबालण दे की लाभ हन? तुसी इन्हां प्रश्नां दे उत्तर अपनी कापियां विच सुंदर लिखाई विच लिखणे हन।